तो यार आप ये देख सकते हो, देखो इसको हम मान लेते हैं अपनी मेन तार जो कि हमारी खंबे पे से आ रही है। देखो इसमें हमेशा याद रखना है, इसमें लाल वाला जो होता है ना वो फेस होता है, और बाकी इसके अलावा मतलब रेड वालों को, अगर रेड वाला होगा ना तो उसको आपको ये मेन समझना है कि इसमें करंट होता है इस वाले तार में, और ये होता है हमारा न्यूट्रल का जो कि इस इसी कलर का होता है न्यूट्रल, या फिर आप ब्लैक बना सकते हो न्यूट्रल इसके लिए, ठीक है। और सपोज करो आपकी जो है ये दो तार आ गई आपकी उसकी पंखे की, ठीक है, और ये आ गई आपकी एलईडी की तार जो आप एलईडी लगाओगे, और ये सपोज करो आप समझ लो आपके घर में एक और पंखा लगाए, तो ये दोनों पंखे की हो गई हमारी और ये हो गई हमारी उसकी एलईडी की, ठीक है। तो अब इसको मैं पलट के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो अभी मैंने ना पंखा तो लगा नहीं सकता मैं इसमें, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको पूरा। तो ये चलो उसको मान लेते हैं एलईडी, ठीक है, और ये दोनों मान लेते हैं हम पंखे। अब इसके कनेक्शन कैसे करें यार, हम ये तो कर लेंगे लेकिन ये तीनों के भी कनेक्शन बहुत जरूरी है कि ये क्यों लगाए यार, हमें तो समझ में आती ना है। कुछ कुछ लोग भी होते हैं ना यार जिनको समझ में नहीं आता यार ये क्यों लगे हुए होते हैं, तो ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, और इस वीडियो में आपको एमसीबी के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हम। अब ये देखो सपोज करो यार ये हमारी ये वाली तारें हैं, पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये देखो ये पंखे की अलग कर रहा हूं मैं, इसके कनेक्शन कैसे करना है यार देखो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। सबसे पहले यार देखो हमारे जितने भी स्विच है ना इन सबको ना हम शॉर्ट कर लेंगे आपस में। कौन सा वाले पोल? नीचे वाले पोल। देखो मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको पलट करके, ये यहाँ से ऑन होता है ऐसे करके, ठीक है। तो उसके नीचे वाले पोल हमें ना सब शॉर्ट कर देना है, जैसे कॉपर की तार से करना है। मैं आपको अभी कॉपर की तार भी जो है दिखा देता हूँ, ये वाली कॉपर की तार से हम सब स्विच को आराम से जो है शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो यार देखो हमने ये सब शॉर्ट कर दिया, अब इसको कटे हुए वो बचे हुए टुकड़ों को काट लेंगे। अब बारी आती है काई की। देखो अब ये मैंने जो आपको बताया था ना ये पंखे के वगैरह के सबके, अभी सबके ना न्यूट्रल को जो न्यूट्रल ब्लैक कलर का होता है मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ब्लैक कलर के जो तार है ना ये तीनों, एक दो पंखे के और एक एलईडी के, तो हम इनको ना पहले आपस में छील छाल के आपस में जोड़ देंगे, ठीक। खाली एलईडी और पंखों के न्यूट्रल को, ओके, और किसी को नहीं लगाएंगे अभी हम। तो इसको पहले आपस में जोड़ लेते हैं हम इन तीनों को, ठीक है, ध्यान रखना एक बार। अब हम जो है ना वो मेन तार जो खंबे पे से आ रहा था अब उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे जो सब न्यूट्रल के साथ। अभी इसका तो काम हमारा खत्म हो गया न्यूट्रल का, ठीक है, इसको हम हाथों हाथ सॉकेट में फिट कर देंगे प्लास से टाइट करने के बाद। तो यार ये देखो हमारे जो है सब न्यूट्रल जुड़ चुके हैं। अब हमारा बाकी है तो फेस और इसकी तीन पंखे की हाफ, ये हाफ बोलते हैं इनको ना जो स्विच में डालते हैं वो हाफ बोलते हैं, ठीक है। अब यार देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक तार लेंगे हम पंखे की, पहले इन सबको यार हटा देते हैं यहाँ से, फिनिशिंग कर देते हैं बेहतरीन करके। ये देखो अब यार बारी आती है इन तीनों की, अब ये तीनों बचे हैं हमारा और एक मेन तार बचा है, ठीक है। तो अब पहले हम डाल लेते हैं इनकी हफे, या पहले एमसीबी देख लो, चलो ये एमसीबी हमारी ये ऐसे करके जो है काम करेगी, अभी बाद में चेक करके दिखा दूंगा खराब है या सही है, ठीक है, अभी मुझे भी नहीं पता है खराब है या सही है। तो हम इसका पहले मेन तार इसके अंदर डाल लेंगे जो कि हमारे खंभे पे से आ रहा है सपोज करो, ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ यार मैं। अब हमारा जो है ये जुड़ चुका है, एक तार का टुकड़ा और ले लेंगे जो कि दूसरी तरफ से आएगा हमारा निकल करके, ठीक है। तो हमने अब इसको डायरेक्ट करके जो है जोड़ लिया है, ठीक है। अभी एमसीबी लग गई हमारे मेन तार में जिसमें करंट होता है फेस तार में, ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे हल्का सा, बहुत बड़ा हो रहा है ये, ठीक है, इसको रख देते हैं हम साइड को। अब ये जो है हम स्विच में लगा लेंगे, जो कि हमने सारे स्विच शॉर्ट करे थे ना उन शॉर्टों में ही जो है हम इसको लगा देंगे, जहाँ से ये शॉर्ट है ना वहीं पर जो है इसको लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर लगा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। आप भी कहीं भी लगा लेना लेकिन शॉर्ट वाले तरफ ही लगाना जहाँ से हमने स्विच शॉर्ट करे हैं, ठीक है। अब बारी आती है हमारे तीनों हाफ की, वो होल्डर की हमारी पंखे वगैरह की तार बची है ना, तो ये अब हम स्विच में जो है डाल देंगे। तो सबसे पहले हम एक तार ले लेंगे इनमें से कोई भी, एक तार हमने ले ली और इसको पहले वाले स्विच के खाली पोल में जो है डाल दिया और टाइट भी कर दिया। अब दूसरी तार लेंगे, खाली स्विच के पोल में डाल देंगे, ठीक है। अब एसी जो है हमें तीसरी तार भी जो है डाल देनी है। अब सिंपल यार देखो हमारा जो है ये कनेक्शन हो चुके हैं, अब बचा है हमारा एक स्विच, पहले इसको टाइट कर लेता हूँ मैं, रुको। अब हमारा एक स्विच के लिए हम सॉकेट से करेंगे ना वो स्विच, तो एक स्विच हमारा सॉकेट का हो गया है, ठीक है। अब हम इसके काट लेते हैं और देखो ये खाली पोल बचा है ना एक, और एक आला बचा है सॉकेट का, तो हम इसको ये आला एक कनेक्शन कर देंगे, मतलब ये हमारा जो है स्विच से सॉकेट हो गया है, ठीक है।
यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कनेक्शन जो है इसके समझ में नहीं आए, ठीक है। तो यार देखो ये बगल में जो है डायग्राम दिख रहा होगा, आप इससे भी जो है देख सकते हो। कनेक्शन सिंपल है यार, ज़्यादा खतरनाक वाली बात नहीं है, बहुत हल्का है यार ये, लग रहा है सिर्फ ऐसा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं इसकी टेस्टिंग, जो हमारा यूज़ हो रहा है कि नहीं। अभी जो है हम क्या करेंगे, इसकी मेन तार जो है हम MCB जो है इसकी गिरा देते हैं, ठीक है। अब हमने ये लगा लिया है इसमें, ठीक, स्विच हमारे सारे बंद हैं, तो हमने मेन तार भी लगा रखा है और MCB जो है लगा रखी है। तो पहले ये होल्डर लगा लेंगे हम इसमें, तो अब लगाने के बाद हम जो है इसकी MCB पहले उठा लेंगे, ठीक, इसकी MCB उठाएंगे पहले हम, ठीक है। तो इस MCB को हमने उठा लिया, अब एक एक करके चेक करते हैं। ये तो इस वाले का हो गया, और ये इसका, ये इसका, और ये इसका। ये LED देख रहे हो ना, तीन कलर में है भाई साहब, ये मैंने खुद ही बनाई थी। अगर आपको देखनी है तो लिंक आ रहा होगा, एक आई बटन पे लिखा हुआ, तो उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये हमारा सब कुछ हो चुका है, अब यार हम MCB चेक करेंगे फॉल्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलो एक दो, और ये हमने चेक करेंगे 1 2 3। हमारे लिए MCB खराब थी, तो इसलिए ट्रिप नहीं हुई यार। बाकी आपके कनेक्शन समझ में आ गए होंगे, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।